ऐसा ऊपर से मलबा नीचे ढह गया पूरा, सिंगल रोड हो गई है एकदम। सीढ़िया देखो, ये वो सीन ना चेन्नई एक्सप्रेस वाली पिक्चर में देखी थी, ऐसी सीधी चढ़ाई थी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं फाइनली ऊपर, बारिश काफी तेज हो गई है, देख लो ये है मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक और हम छोटा सा ट्रिप करने जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं। एक बार हमारे जाते थे प्लान कैंसिल हो गया था, वो आपने व्लॉग देखा होगा हमारा, मैं बता देता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं खेलते। एक जगह है कुंजापुरी देवी टेम्पल, जी आपको अगर आपने हमारे पहले व्लॉग देखा होगा आपको याद आ होगा, पिछली बार हम दूसरे रास्ते से गए थे, वहाँ लैंड स्लाइड हो गई थी तो वापस आना पड़ा, बस फिर से हम वहीं जा रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं वहाँ पे और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। प्लस वहाँ पे ड्रोन तो आ ही चुका है, लास्ट व्लॉग भी देखा होगा उसमें ड्रोन उड़ाया था, जो बैराज पे गए थे हम डाक पत्थर वाली जगह पे, कितना अच्छा व्यू आया था। तो यहाँ पे भी कोशिश करेंगे जहाँ अच्छी लोकेशन मिलेगी। वैसे तो बादल हो रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा मौसम खुला है, देखिए काले बादल आ रहे हैं फिर से इस साइड से, इस साइड ही ऋषिकेश, इधर ही जाना हमने। और इधर पूरा अभी थोड़ी सी धूप खुली हुई है मौसम, और पूरा गाँव है हमारा, देख लो हरा भरा गाँव। तो चलते हैं फिर फटाफट आपको दिखाते हैं कुंजा देवी टेम्पल, रस्ते में जो अच्छे अच्छे व्यूज दिखेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए स्नेहा हो गई रेडी, और ये निमृत रो रहा है, इसको ट्यूशन जाना होता है, इसको अभी सो के उठाया। पेपर आना बाबू, पेपर आ रहे ना, 22 तारीख से पेपर है, पढ़ना जरूरी है। ऐसे रोता रहता है हर एक दूसरे दिन, इसको मतलब मन नहीं होता जाने का ट्यूशन। एक्चुअली इनका स्कूल का टाइमिंग भी 1:30 बजे छुट्टी होती है, फिर 2 घंटे रेस्ट, फिर 3 घंटे का लगातार ट्यूशन, फिर आते हैं रात हो जाती है आते हैं, इसलिए बेचारे क्या करें। पर कुछ नहीं बाबू, इसी उम्र है ना पढ़ने की, जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो घूमने लेके चलेंगे, ठीक है? देखो बस ज़्यादा नहीं करना, जाना है ना बाबू, नहीं रोते बाबू नहीं रोते, चलो चलो इसे मनाते हैं, पैसे लेके चलते हैं, ठीक है गाइस? गाइस इनको हमने लेके दिए फ्रूटी, ये निमृत को ये रो रहा था, इसको चुप कराने के लिए फ्रूटी लेके दी, रिश्वत दी है इसको, रिश्वत है, अभी भी रो ही जा रहा, नहीं जाना नहीं जाना। तो गाइस मौसम देखिए, बारिश आने वाली है, मौसम बदलता जा रहा है, देखते हैं वहाँ पहुँच के पता चलेगा कैसा मौसम है वहाँ पे, यहाँ तो फिलहाल बारिश आने वाली भयंकर वाली। गाइस छोड़ दिया मैंने बच्चों को, बड़ा छोड़ा ना, कैसे रो रो के जा रहा था ना, ये रोज रोता है। हाँ अभी थोड़ी सी लग दिखाई थी मैंने रोने की उस टाइम, मैं फिर लास्ट में दिखा नहीं पाया, मैंने कहा क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, मौसम हो रहा है आजकल यहाँ उत्तराखंड में, मानसून फिर से आ गया है, बादल देखा कितने तेज गरज रहे थे, आवाज बहुत भयंकर आवाज आ रही थी, हम बाहर गए, मुझे लगा ऐसा लगा कुछ हो गया, क्योंकि हमारे घर के सामने ना आए दिन एक्सीडेंट होते रहते, तो मुझे लगा कुछ ट्रक वगैरह की ऐसी आवाज है, मैं बाहर गई तो फिर से आवाज आ गई। उधर तो काले बादल हो गए, इधर फिर भी थोड़ा साफ देख दिख रहा है, उमस से बनी हुई, गुम नहीं होता जैसे मौसम वैसा हो रखा है ना। बहुत ज्यादा गर्मी बहुत हो रही है, बादल है बट गर्मी बहुत उमस है, बस ये ऊपर जाके उम्मीद करते हैं अच्छा मौसम मिल जाए चलने में, फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ड्रोन उड़ा रहा है, ड्रोन हम ट्रैकिंग भी करेंगे, ट्रैकिंग भी करनी है पर ड्रोन उड़ाना है बारिश में, ड्रोन तो कर लेंगे अगर गर्मी है और मजा आएगा ट्रैकिंग करने में। तो गाइस ये देखिए यहाँ से रोड का पूरा हाल हो रखा है, रोड का टूटा फूटा, उधर हमें खराब रोड मिला तो इधर सही मिलेगा, देखो कैसा ऊपर से मलबा नीचे ढह गया पूरा, सिंगल रोड हो गई है एकदम, जगह जगह हो रहा है ऐसा, इस रोड का भी बहुत बुरा हाल हो गया इस टाइम मानसून में। तो गाइस ये देखिए मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, बादल के बीचों में से गुजर रहे हैं हम, देख रहे कुछ नहीं दिख रहा है इधर उधर, सिर्फ बादल ही बादल चल रहे हैं, यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मिलेगा हमें, जिस हिसाब से नीचे मौसम बना हुआ था ये बादल तो आने आने थे। देखो पता नहीं ड्रोन उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, क्या कहते हो जन, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ जाए व्यू व्यू नहीं दिखेगा ना, फिर फायदा क्या है, बादल दिखेंगे, वही तो बादलों को वो तो ऐसे भी दिख रहे हैं, वो तो वैसे भी दिख रहे हैं, देखिए कैसे हमारी तरफ आ रहे हैं, हम इनकी तरफ जा रहे हैं। हमने रास्ता दूसरा चेंज कर लिया, कुंजापुरी माता देवी वाला जो रास्ता जाता है, जो छोटा सा रास्ता बना रखा, देखो ये देखिए वो पूरे बादल बादल ने घेर लिया, और जिसका डर था वही शुरू हो गया है, बारिश आ गई है बस, है ना, काम बस वही है खराब है ना, खतरनाक सा लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बीच में दो लोग दिखे रहे पैदल जाते हैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा, और ना कोई गाड़ी आ रही है ना कोई गाड़ी जा रही है, भयंकर तो टेडली हो गया मौसम, पर से बादल उन्होंने आगे तक दिख नहीं रहा, काफी दूर तक थोड़ी दूर तक ही दिख रहा है, तो बस थोड़ा सा रह गया पहुंचने में, पहुंचते हैं फिर ट्रैकिंग करते हैं फटाफट। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर, मंदिर की पार्किंग में, देखिए यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है, और देखिए कैसे बादल आ रहे हैं एकदम, यहाँ से ट्रैकिंग करनी पड़ेगी अभी ऊपर चल के हमें, तो मुझे लगता है ड्रोन का पॉसिबल होगा, चले फिर चलते हैं आपको अच्छे से ऊपर चल के मंदिर के दर्शन करवाते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ से कुछ प्रसाद ले रहे हैं ऊपर मंदिर में चढ़ाने के लिए, क्या है
तो गाइस यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है, हम सीढ़ियाँ ले रहे हैं स्टेयर्स, एकदम खड़ी चढ़ाई है, खड़ी भयंकर। देखो सीधा कितना खतरनाक चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई। ये देखो कैसे भाग रही है, पैरों में दर्द होगा ना पता चलेगा। मजा आ रहा है गुंजन? आ रहा है, है। सीढ़ियाँ देखो, ये वो सीन है चेन्नई एक्सप्रेस वाली पिक्चर में देखी थी, ऐसी सीधी चढ़ाई थी। 300 को सीढ़िया है, हाँ एकदम स्ट्रेट, पैरों की बैंड बजेगी और कुछ नहीं, उतरते हुए बजेगी, देखना। सांस चढ़ गई इतने से में, अभी इतना सा ही आया देखो। पर मजा आ रहा है, बहुत टाइम पर सीढ़ियाँ चल रहा है ट्रैकिंग। लास्ट हमने वैष्णो देवी में चढ़ी थी ना, वही तो सीढ़ियाँ वहीं चढ़ी थी हमने, बैंड बज गए थे। हाँ लगातार 2 दिन नहीं, 1 दिन पूरा दिन 24 घंटे, हाँ। रात के 8 से सुबह के अगले दिन के रात के 8 बजे तक बैठ सकते हैं। बारिश शुरू हो गई तेज कि बारिश से बचा हुआ, हाँ बारिश तो हो रही है, तेज आवाज़ सुन रहे होंगे आप, टीन पे पड़ रही है। थोड़ा हम गलत वक्त पे आए हैं, वैसे तो ड्रोन ब्रांड नहीं उड़ पाएगा, बारिश का मौसम कुछ दिख नहीं रहा व्यू वगैरह, पर अब दर्शन करते हैं और आपको मंदिर के एकदम से पास से दर्शन कराएंगे। चलिए गाइस, डेड एंड आ गया है, डेड एंड वैसा डेड नहीं आया है, बस ये कि ये बना हुआ था शेड, हम जो बारिश से बचा रहा था वो ख़त्म हो गया फाइनली। अब यहाँ से ऊपर हम ऐसे जाना पड़ेगा भीग के, थोड़ी देर वेट करें कि कम हो जाए। भीगे चले, हाँ भीगना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं कोई। अभी पता नहीं कितनी ऊपर है गाइस मंदिर, भयंकर देखो, थोड़ा सा झुक के देखता हूँ, हाँ? अभी नहीं है वो सीढ़ियाँ हैं, हाँ शायद हम पहुँच गए हैं गाइस, आ जाओ भीग ही लेता हूँ, हाँ हाँ यार तो पहुँच ही गए हम, हाँ हाँ आ जाओ पहुँच गए, हाँ हाँ खाई फटाफट भागते हैं। ये देखो कैसे भीगते हुए आएगी, ये देखो पहुँच गए मेन द्वार है मंदिर का, पहुँच गए फाइनली। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फाइनली ऊपर, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, देख लो ये है मंदिर माता का। अब देखते हैं यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, जूते वगैरह भी उतारने वहीं कहीं उतारते हैं। तो गाइस मंदिर के दर्शन अंदर कर लिए हमने, अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, हमने आपको बाहर से दिखाया है कैसा रहा था, अच्छा है ना, ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, बाकी बारिश पड़ रही है, हल्के भीग गए हम। ये हमारे भोले बाबा जी, इधर भी एक छोटा सा मंदिर है, बंद है इस टाइम, और यहाँ बंदर काफ़ी भी छुप के बैठे हैं बारिश चक्कर में। ये तो भैया और थे, अभी देखा होगा आपने, उनका छीन लिया जो प्रसाद था, छीन लिया था। तो ऐसा कुछ है, देखिए बादल एकदम नीचे हमारे साथ साथ घूम रहे हैं। अंदर से वीडियो अलाउड नहीं थी, अंदर पंडित जी से हमने पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बताया मैं 51 सोच के चला था, 51-52 शक्तिपीठ है टोटल, उनमें से एक मतलब ये शक्तिपीठ है माता कुंजापुरी के नाम से, माता का छाती का भाग है, तो वो वाला भाग यहाँ पे है, तो इसके ये कुंजापुरी माता का मंदिर है। तो हमने दर्शन वर्शन कर लिए हैं, ड्रोन तो उड़ नहीं पाएगा, मौसम बहुत भयंकर हो गया है, वैसे भी तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर बारिश हो रही है और इसने यहाँ बैठी हुई है दर्शन करके। मज़ा आया ना, हाँ। अच्छा था, अच्छा वैसे हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटे का रास्ता था, सही था हमारे पास। तो इस टाइम तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया, ठंडा मौसम है, ट्रैकिंग हार्डली 10 मिनट की है, कोई भी कर सकता है इजली। तो बस अब नीचे चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ, अगर कहीं मौसम थोड़ा खुला दिखा हमें पहाड़ पर से कहीं पर भी नीचे उतरेंगे, उतरते चलेंगे तो वहाँ थोड़ा सा ड्रोन उड़ा के देखेंगे। बाकी फिलहाल चलते हैं नीचे फटाफट, 5 मिनट में नीचे पहुँच जाएंगे, फटाफट चलते हैं फिर। मौसम साफ हुआ है, हल्का सा ही ज़्यादा नहीं, तो एक अच्छी लोकेशन मैंने सोचा है, ड्रोन उड़ा के देख लेते हैं वो उड़ता है कि नहीं। देखो ये लोकेशन है हमारी लड़की नाचने लग जाती है जहाँ लोकेशन मिलती है इसे, तो चाहे देखते हैं मेरा ड्रोन उड़ा के, देखो उड़ता है तो उड़ा देंगे थोड़ा सा ड्रोन। चलिए
गाइस हम नरेंद्र नगर पहुंचने वाले हैं। हमने काफी मस्ती भी की, फाइनली हमारा ड्रोन भी उड़ गया, ड्रोन शॉट लिया हमने, रील्स बनाए। वो तो मौसम ने साथ दे दिया था थोड़ा, इसलिए उड़ गया, पर हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। ऊपर क्लियर मौसम नहीं था बट नीचे हमें अच्छा मौसम मिल गया था, जिस जहाँ हम ड्रोन उड़ा सकते हैं तो वहाँ पे हमने ड्रोन उड़ाया और काफ़ी अच्छी लोकेशन मिल गई थी। व्यू इतना खूबसूरत था, वहाँ जंगलों के बीच में इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी फील किया। पूरी रात बैठो वहाँ पे और अच्छा लग रहा, बहुत सुकून सा मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। 3 घंटे पता नहीं चले कहाँ की सके, पता ही नहीं, टाइम कम पड़ गया, हमें और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए था थोड़ा, आधे घंटे में बच्चों का टाइम भी होना ट्यूशन का, उन्हें भी लेना है टाइम। हम 3 घंटे लेके चले थे पर जितना भी करा पर मजा बहुत आया, तो बस बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा लगा हमारे ब्लॉग, अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट नहीं करते आप, और भी अच्छा करना बिल्कुल ना भूलना गाइस। और नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल बिना करे मत जाना, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। हमारी पहले की सीरीज भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बना रखी है हमने, और इस ब्लॉग के एंड करते हैं। तो बाय बाय गाइस, फेयरवेल माय फ्रेंड्स, बाय बाय, यस।